दीपावली एवं अन्य त्योहारों, समारोहों एवं विशेष मौक़ों पर खुशी का इजहार रॉकेट, अनार, फुलझड़ी जैसे पटाखों को जलाकर किया जाता है। सामान्यतः 15-20 मिनट के इस मज़े के पीछे लंबा समय, कठिन विज्ञान एवं तकनीक छिपी होती है। पटाखे जलाकर खुशी प्रदर्शित करना एवं आनंदित होना दीपावली त्यौहार की गलत पहचान बनती जा रही है। वास्तव में दीपावली विश्व का एकमात्र ऐसा त्यौहार है जो सत्य का प्रतीक है। हजारों वर्ष पूर्व प्रभु श्री राम के अयोध्या आगमन पर परंपरागत रूप से दीप प्रज्वलन कर दीपावली मनाई गई। वह सनातन परंपरा उससे भी हजारों वर्ष पूर्व की थी, जिसमें दीप प्रज्वलन बरसात के बाद आने वाले दुष्प्रभावों को नष्ट करते हुए पर्यावरण संरक्षण का संदेश निहित करवाता था। किंतु स्वतंत्रता के बाद पटाखों का प्रचलन शुरू हुआ, जो आज इस त्योहार की सनातन परंपरा को दूषित कर रहा है। पटाखों के कारण वातावरण प्रदूषण के साथ साथ आग लगना, हाथ जल जाना, त्वचा पर दुष्प्रभाव जैसी दुर्घटनाएं तो होती ही हैं। साथ ही पटाखों का इल्लीगल रूप से निर्माण एवं प्रयोग क्राइम को भी बढ़ावा देता है। इसमें प्रयोग होने वाले कई खतरनाक रसायन तो अस्थमा व कैंसर जैसे रोगों को भी जन्म देते हैं। पटाखे जलाने से नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसी खतरनाक गैसें भी पर्यावरण को अप्रत्याशित रूप से प्रदूषित करती हैं। इस बारे में अखबार व टीवी पर निरंतर समाचार प्रकाशित होते ही रहते हैं। पटाखों से काम आने वाले अनेक हानिकारक पदार्थों में स्ट्रॉन्शियम, कैल्शियम, बेरियम, कॉपर, सोडियम के नाइट्रेट, कार्बोनेट व सल्फेट शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त चारकोल, लोहे का चूर्ण, पोटेशियम परक्लोरेट आदि जैसे हानिकारक पदार्थों का प्रयोग भी होता है। यह सब हमारे वातावरण के साथ साथ हमें दूषित करते हैं। अब यह हमारे हाथ में है, हम दीपावली को सनातन रखते हैं या प्रदूषित।